गाइस आज हम करने वाले हैं साइंस एक्सपेरिमेंट जिनमें कि आने वाला है मज़ा और आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। यदि गाइस आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बात में शर्माना क्या, आपके भाई का चैनल है, चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यदि आपको इस वीडियो में आया मज़ा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। नॉर्मल सा पानी जो हमने घरों में यूज़ करते हैं और इसको हम इसमें पूरा डाल देंगे। ये हमारा पूरा पानी पड़ चुका है और इसमें सिंपली हम शैम्पू को डाल देंगे। और ये हमारा शैम्पू हो चुका है नीचे इसमें। और गाइस कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े हैं जिनको हम इसमें डालेंगे। और जब इस बुलबुले इससे निकलेंगे, जब इसकी गैस बनेगी तो इससे एसिटिलीन गैस निकलती है जिससे कि इसमें निकलेंगे बुलबुले और इसमें हम लगाएंगे फिर आग और फिर देखते हैं क्या होता है। तो गाइस हमने लगभग एक दो वीडियो इस कैल्शियम कार्बाइड के बारे में बताया है और वीडियो बनाए भी हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस इन कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़ों को इनमें डालते हैं। ये देखिए हमने इसमें डाल दिया। और गाइस ये तो अपोजिट हो रहा है, इतने हमने जैसे सोचा था कि बड़े बड़े बुलबुले बनेंगे, कुछ उस तरह के तो बन नहीं रहे हैं। और गाइस अब इसमें लगाने वाले हैं आग। जी देखिए गाइस कितनी तेज जला था। ये देखिए गाइस फिर एक बार अभी आग लगी, इससे आवाज आई। गाइस ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और अब इसको हम यहाँ पर डालेंगे तो ये जलता है विदाउट फ्लेम के, इसकी आग दिखती नहीं है और ये जलता है। तो गाइस हमने यहाँ पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डाल दिया और अब इसमें लगाने वाले हैं आग। ये आप देख सकते हैं कि इसमें आग लग चुकी है और ये दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए हमारा कागज़ बर्न होना शुरू हो गया है, ये आप देख सकते हैं कागज़ हमारा कितनी तेज जल रहा है और जो इसकी आग होती है वो दिखाई नहीं देती है। ये आप देख सकते हैं, ये आप किसी के सामने जादू कर देंगे तो बहुत ही कमाल का जादू लगेगा गाइस। ये देखिए ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की जो फ्लेम निकलती है वो विदाउट फ्लेम होती है, मतलब कि इसकी जो फ्लेम निकलती है वो दिखाई नहीं देती है। और ये हमारा पूरा कागज़ जल चुका है। गाइस जी हमारे पास है नॉर्मल सा पीने वाला पानी जिसे हम घर में यूज में लेते हैं। तो चलिए इसको हम इसमें डालते हैं और इसमें जलाने वाले हैं नेल पॉलिश को। और हमने इसमें भी डाल दिया पानी। गाइस ये है नेल पॉलिश जिसे नेल्स में लगाया जाता है और इसको हम इस पानी में डाल के देखते हैं कि ये नेल पॉलिश है जलती है कि नहीं जलती है। तो चलिए गाइस इसको ट्राई करते हैं। और गाइस हमने इस नेल पॉलिश को डाल दिया इस पानी में। और गाइस आप देख सकते हैं कि जितनी इस बोतल में होती है हमने पूरी नेल पॉलिश डाल दी है। आप देख सकते हैं गाइस ये नेल पॉलिश कैसी लग रही है, देखिए कैसी लग रही है। और अब इसमें हम लगाने वाले हैं आग। तो गाइस ये हमने लगा दी इसमें आग और गाइस आप देख सकते हैं, देखिए कितनी तेज चल रही है। वाओ गाइस मज़ा आ गया। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये देखिए बबल्स बन रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए कितने बड़े बड़े बबल्स बन रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये नेल पॉलिश जल रही है,
ये देखिएगा इस पूरी नेल पॉलिश जितनी पड़ी थी पूरी ई बबल बन चुकी है। बहुत ही मज़ेदार गाइज, ऑसम, मज़ा आ गया। देखिए कितनी तेज नेल पॉलिश जल रही है, और ये देखिए कोबरा जैसा बन गया ये कोबरा वाला। शायद गाइज आपने वीडियो नहीं देखा तो आप उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये देखिए गाइज वैसा ही बन गया है। और इसको थोड़ा उठाकर देखते हैं, तो गाइज देखिए कुछ नेल पॉलिश हमारी पानी के अंदर जा चुकी है। और ये देखिए दोबारा फिर नेल पॉलिश में आप पकड़ ली जो इसके नीचे दबी हुई थी। तो गाइज हमारे पास है ये गिलास, और ये हमारे पास हैं दो मैग्नेट जो कि एक बड़ा है और एक छोटा है, और हम इस बड़े वाले मैग्नेट से छोटे वाले मैग्नेट को अभी हम इसको फ्लोटिंग कराएंगे। तो यदि हम ऐसे करें तो ये बैलेंस नहीं बनेगा और ऐसे मतलब कि ये फ्लोट तो हो रहा है लेकिन ये साइड में आ जाता है, इसका नॉर्थ पोल इसका साउथ पोल दोनों चिपक जाते हैं आपस में। तो हमने कुछ जुगाड़ बनाए और इसको नीचे रखेंगे और तब इस मैग्नेट को कुछ इस तरीके से डाल लेंगे और तब इसे फ्लोट कराएंगे, और इसे कराने पर ये भी तुरंत घूम जा रहा है, आप फिर एक बार देख सकते हैं। ये देखिए हमने इसे ऐसे डाला नहीं, ये तुरंत ऐसे ये फ्लोट तो होता है लेकिन फिर दोबारा चेंज चिपक जाता है। गाइज हमने इस मैग्नेट के ऊपर छोटे वाले मैग्नेट को फ्लोट कराने का एक देसी जुगाड़ बनाया और उसको भी करके देखेंगे, और इस मैग्नेट के प्रति जो नेट वेव जो होती हैं और उनको हम देखेंगे कि ये जो मैग्नेट है ये कितना वजन उठा सकता है और इसकी वेट लिफ्टिंग भी होगी। तो चलिए गाइज इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो गाइज हमने कुछ इस तरह का एक ये स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें कि हम इस मैग्नेट को कुछ इस तरह से फिट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, और इसको वेट लिफ्टिंग कराने के लिए हमने इन बांटों का यूज़ करेंगे और इन बांटों को इसके ऊपर रखेंगे, देखेंगे कितना वजन उठा सकता है। तो गाइस हम सिंपली से ये जो हमने बनाया इसको इसके अंदर कुछ इस तरह से डाल देंगे और फिर ले जाएंगे इस मैग्नेट के पास। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैग्नेट धीरे धीरे ऊपर जाने लगा है, और इसमें बांटों को रखेंगे जो कि पहला बांट 50 ग्राम का रखेंगे, और हमने देखा कि ये थोड़ा सा गया नीचे, ज़्यादा नहीं गया, और इस 50 ग्राम के बांट को जैसे हमने उठाया तो फिर मैग्नेट ऊपर आ गया, और अब इस 100 ग्राम के बांट का नंबर जो कि हमने इस बांट को इसके ऊपर रख दिया है। तो गाइस अभी भी ये हवा में फ्लोट कर रहा है और ये अभी पूरा इस तरफ से सतह जो इसकी मैग्नेट की या गिलास की है इसे पूरा भी नहीं टच हुआ है, और दूसरी बार फिर हम इस 50 ग्राम के बांट को रख रहे हैं, और गाइस आप देख सकते हैं कि ये अभी नहीं पूरी तरह से टच हुआ है, ताकि गाइस हमें इससे यह पता चलता है कि हम इसके ऊपर और बांट रख सकते हैं। तो अब इतने काफ़ी हैं, लगभग इसके ऑलमोस्ट हम 50 ग्राम और रख सकते हैं, और जैसे हम इसको ऊपर उठाते हैं देखिए कैसा स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। गाइज इसीलिए हमने इस स्ट्रक्चर को बनाया था ताकि हमारा जो मैग्नेट है वो दोबारा मुड़े ना, नहीं तो ये मुड़ के फिर दोबारा वहीं पर चिपक जाता था, क्योंकि साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों ही तरफ हो जाते थे। अब जान कि साउथ साउथ दोनों ही तरफ है, नॉर्थ नॉर्थ है। ये गाइज देखिए पूरा एक स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है, हम इसको उंगली से ढकेलना चाह रहे हैं लेकिन ये नहीं जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, वाओ गाइस आप देख सकते हैं कितना ऊपर ये गया था, ये देखिए बिल्कुल ये हाइड्रोलिक की तरह काम कर रहा है, जैसे कि एक हाइड्रोलिक सॉकर जो होता है, ये देखिए आप
कितना ऊपर जा रहा है। यदि आपको इस वीडियो में मजा तो इस वीडियो कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ कीजिए शेयर। और गाइज मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके भाई का चैनल है, तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।